Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next question, bachcho. M Limited issued Rs. 38 lakh 8% debentures of 100 each on 1st April 2014. वो ये कहता है कि इन debentures को at a premium of 5% 30 June 2016 को वापस करना है और कंपनी प्रॉफिट्स में से 5 लाख DRR में ट्रांसफर कर रही है 31st मार्च 2015 को और 4,50,000 31st मार्च 2016. पहली बात, 30 जून 2016 को रिडेम्पशन करनी है, 30 जून से पहले पहले DRR हो जाना चाहिए और 30 जून से पहले पहले हो गया है. आपके सामने है 31st मार्च 2015 और 31st मार्च 2016. दूसरी बात, 38 लाख का 25% 9,50,000 होना चाहिए कम से कम. इसे ज्यादा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए. 5 लाख और 4,50,000 पूरा 9,50,000 हो गया. ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है क्वेश्चन. और इन्वेस्टमेंट जो जरूरत थी लॉ के हिसाब से, वो हमने 1st अप्रैल 2016 को करी है, 30 जून 2016 को उसको बेच भी दें. और पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज उसने लिखा हुआ है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इधर द इंटरेस्ट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स शो करने की जरूरत नहीं है और इग्नोर इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑल्सो. ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है. लेट अस स्टार्ट, वेरी सिंपल. 1st अप्रैल 2014 को डिबेंचर इश्यू किया, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 38 लाख और क्योंकि 5% प्रीमियम पे रिडीमेबल है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 38 लाख टू डिबेंचर 38 लाख और जो 5% प्रीमियम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट कर दिया और लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स को डेबिट कर. आई थिंक नथिंग न्यू, जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो उसी के बारे में बताया. आप 31st मार्च 2015 को और 31st मार्च 2016 को DRR क्रिएट कर लो. अच्छा बच्चों, ये भी मैं बता दूं, मैं बार बार एंटर लिख रहा हूँ सरप्लस डेबिट टू DRR. आपने पूरा लिखना है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR. हम लोग, मैं आपका सिर्फ टाइम सेव करने के लिए सरप्लस लिख देता हूं. पहले साल 5 लाख, दूसरे साल 4,50,000 ट्रांसफर कर दिया. फिर कह रहे हैं 1st अप्रैल को इन्वेस्टमेंट करो, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 38 लाख का 15% 5,70,000 और 30 जून रिडेम्पशन डेट आ गई. बच्चों बस शुरू हो जाओ, इन्वेस्टमेंट बेचो, बैंक डेबिट टू DRI, डिबेंचर डेबिट प्रीमियम रिडेम्पशन, डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दो बच्चों 39,90,000 और फिर फाइनली सारे डिबेंचर रिडीम हो गए हैं तो DRR डेबिट टू जर्नलिज्म 9,50,000 ट्रांसफर. ये चार एंट्रीज तो तुम देख रहे हो ही रही हैं. इन्वेस्टमेंट बेची, ट्रांसफर किया, ड्यू करके पेमेंट किया. राइट, ओके, डन.